खरगोन जिला मुख्यालय खरगोन के गणेश मंदिर के पीछे बिजली का तार टूटने से एक बड़ा हादसा टल गया। बता दें कि क्षेत्र में बिजली विभाग का ट्रांसफार्मर खुले आम मौत की चुनौती दे रहा है। ऐसे में विभागीय शिकायत के बावजूद समस्या पैर पसारे सरेआम जिंदगी को मुंह चढ़ाती दिख रही है। इस दौरान क्षेत्र के लोगों ने बताया कि बच्चे आसपास खेलते रहते हैं और विभाग किसी बड़े हादसे के इंतजार में मूक दर्शक बना बैठा है। वहीं विद्युत डीपी के कारण कई घटनाएं घट चुकी है। साथ ही इस संबंध में विभागीय कर्मचारी अधिकारियों को सूचना करने के बाद भी ये कहकर दामन बचाते देखे जाते हैं। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। वो तीन ही बच्चे लाइन से थे, वो तीन ही बच्चों पर कभी तार गिर जाता तीन ही चिपक जाते। ये बच्चों के कहीं भी करना पड़ेगा तुमको अधिकारी से। क्या चाहते हैं यहाँ पर आप? हम ये चाहते हैं कि डीपी को हटा दो, ये बार बार कई 25 बार फूट गई है, ये डीपी को हटा दो बिल्कुल। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा पीछे डीपी है 11 केबिन लाइन की, इसमें आए दिन शॉर्ट सर्किट के कारण वायर टूट कर गिरते रहते हैं और भरा मोहल्ला है जिसमें बच्चे जानवर और आम रास्ता भी है, कई लोग निकलते भी हैं जिसमें आंगन में कई बार लोगों को ऊपर गिरते गिरते जो हादसा होते होते बचाए। अभी पिछले 15-20 दिन पहले जो पानी गिरा था मावजा का उसमें भी हादसा हुआ था, लेकिन यह है कि कोई जानहानि किसी प्रकार की नहीं हुई। अधिकारी एमपीपी कर्मचारी को कई बार अवगत कराया गया है, कर्मचारी जो है आते हैं अधिकारी के पास सुनकर रिप्लाई करके उसको चले जाते हैं। अभी जो तार गिरे थे क्या लाइन चालू थी? लाइन गारे कभी लाइन चालू थी, अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ और जो है दो तार ऊपर से नीचे गिरे जिसमें आसपास छोटे बच्चे खेल रहे थे, वो बाल बाल बच गए जिससे जो है कोई किसी प्रकार की जानहानि नहीं हुई। अब क्या चाहते हैं आप? हम तो ये चाहते हैं एमपीपी से हमारा निवेदन है कि इस डीपी को जो है यहाँ से शिफ्ट करा जाए ताकि यहाँ पे आने वाले समय में किसी प्रकार से कोई जानहानि ना हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नादिर अहमद है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।